हाय दोस्तों हीट एंड मास ट्रांसफर का लेक्चर नंबर फोर्टी नाइन है और इस लेक्चर में हम सिलेंडर विद इंटरनल हीट जनरेशन के लिए क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे तो चलिए देखते हैं देखिए ए थ्री एम एम स्टेनलेस स्टील वायर के स्कल टू ट्वेंटी रजिस्टिविटी रो स्क्ल टू टेन इंटू टेन की पावर माइनस एट ओम मीटर हंड्रेड मीटर्स लॉन्ग ए वोल्टेज ऑफ हंड्रेड वोल्ट इम्प्रेस्ड ऑन इट तो हमारे पास थ्री एम mm एम डायमीटर का एक वायर है और जिस पर हम वन हंड्रेड वोल्ट अप्लाई करते हैं और वायर की जो लेंथ है वो वन हंड्रेड मीटर है और के भी गिवन है और उसकी रजिस्टिविटी भी गिवन है तो ऐसा करते हैं कि इसका डायग्राम बना लेते हैं तो देखो जो वायर होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है तो इस तरह से ये क्या है वायर है और ये इसकी क्या है लेंथ तो इसका जो ये वाला टॉप व्यू है इस टॉप व्यू को हम यहाँ पर बना लेते हैं ये कुछ इस तरह से रहेगा टॉप से देखने पर ये हमें एक सर्कल दिखाई देगा तो चलिए जो भी डेटा है इसे लिख लेते हैं जैसे कि इसका डायमीटर कितना है थ्री एम तो डी इजकअल टू थ्री एम तो यहाँ से रीडेस्क कितनी आ जाएगी थ्री बाई टू एम और इसे हम एम से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसके लिए हम 1000 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा पॉइंट जीरो जीरो वन फाइव आगे देखिए यहाँ पर क्या था तो याने है। याने है के तो के इक्वल टू ट्वेंटी और रेजिस्टिविटी रो इजकल टू टेन इंटू टेन की पावर माइनस एट ओम मीटर देखो ये मीटर में है तो जो भी रेडियस है या और भी डायमेंशन है वो मीटर में ही होनी चाहिए तो सिंपल ये कितना आ जाएगा देखो टेन की पावर माइनस सेवन ओ मीटर और उसके बाद इसकी लेंथ हमें गिवन है एल एचकल टू वन हंड्रेड और जो वोल्टेज हैं वो कितने हैं वन हंड्रेड वोल्ट आगे देखिए द आउटर सरफेस ऑफ द वायर इज़ मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस तो ये वायर का आउटर सरफेस है या यहाँ पर ये वाला क्या है आउटर सरफेस है तो आउटर सरफेस का टेम्परेचर जो है वो टी डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है तो टी डब्ल्यू हमारे पास कितना है 100 कैलकुलेट द सेंटर टेम्परेचर ऑफ द वायर तो यहाँ पर हमें सेंटर का टेम्परेचर हमें फ़ाइंड करना है और हमें पता है कि जो सेंटर में टेम्परेचर होता है वही क्या होता है मैक्सिमम टेम्परेचर तो हमें यहाँ पर टी मैक्स मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड करना है इफ़ द हीटेड वायर इज समर्ज इन ए फ्लूड मैंटेन्ड एट फिफ्टी डिग्री सेल्सियस तो यदि ये जो वायर है वो फ्लूड में सम्मर्ज कर दिया जाता है और फ्लूड का जो टेम्परेचर है वो कितना है फिफ्टी डिग्री सेल्सियस तो जो फ्लूड होता है उसको हम टी ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास टी ए कितना है फिफ्टी फाइंड द हीट ट्रांसफ़र कोफ़िशेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द वायर तो यहाँ वायर की सरफेस के लिए हीट ट्रांसफर कोफिशेंट हमें फाइंड करना है एच तो हमें एक तो मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड करना है और हीट ट्रांसफ़र कोफ़िशेंट तो चलिए इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हीट जनरेशन होता है उसे हम फाइंड कर लेते हैं अब देखो हमारे पास जो हीट जनरेट पर मीटर क्यूब होता है स्मॉल क्यूँ जी उसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे कैपिटल क्यूँ जी में हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे और इसका वॉल्यूम क्या रहेगा एरिया इंटू लेंथ तो एरिया इंटू लेंथ अब हमारे पास क्या क्यों जी की वैल्यू है तो ये तो है ही नहीं और हमारे पास क्यूँ जी के लिए देखो क्या फॉर्मूला है आपने पढ़ा होगा कि इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है पी इजल टू क्या होता है वी आई या आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर ओपन आर इन तीनों में से हम कोई सा अप्लाई कर सकते हैं अब देखो जैसे कि हमारे पास वोल्टेज है और रेजिस्टिविटी की हेल्प से हम ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या है वोल्टेज और रेजिस्टेंस तो इसमें से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर ओपन आर तो क्यूँ जी का क्या फॉर्मूला है वी स्क्वायर आर और क्यों जी क्या है टोटल हीट जनरेट इन द वायर तो स्मॉल क्यू जी इज टू इसकी जगह पर हमने लिखा वी स्क्वायर अपॉन आर आर क्या है यहाँ पर रेजिस्टेंस है देखो रेडियस नहीं है ये ठीक है यहाँ पर ये क्या है रेजिस्टेंस और यहाँ पर एरिया इंटू लेंथ तो चलिए ऐसा करते हैं कि इसमें हम सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखो क्यों जी इजकल वोल्टेज हमारे पास कितना है 100 हंड्रेड यहाँ पर देखिए 100 हंड्रेड और जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है देखो रेजिस्टेंस तो है ही नहीं तो रेजिस्टेंस के लिए क्या फार्मूला होता है रो एल अपॉन ए ठीक है तो इसके लिए हम यहाँ पर यह वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं रो एल अपॉन ए तो ए ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर क्या है ए एल तो देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचा वन हंड्रेड अपॉन रो इन एल स्क्वायर तो रो की वैल्यू हमारे पास कितनी है टेन की पावर माइनस सेवन रो क्या है रेजिस्टिविटी और लेंथ हमारे पास कितनी है देखो लेंथ है वन हंड्रेड मीटर तो वन हंड्रेड स्क्वायर तो यहाँ से आसानी से क्यों जी की वैल्यू आ जाएगी और देखो यहाँ पर, तो पर क्या था वोल्टेज का स्क्वायर तो यहाँ पर क्या आएगा वन हंड्रेड स्क्वायर तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा? टेन की पावर माइनस सेवन और इसे ऊपर ले जाने पर यह आ जाएगा टेन की पावर सेवन और इसकी यूनिट क्या रहेगी वोट पर मीटर क्यूब तो अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर एच की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम टी डब्ल्यू का फार्मूला अप्लाई करेंगे ठीक है टी डब्लू और टी ए में रिलेशन होता है तो वो वाला फार्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ वो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर देखिए जब हमने डेरिवेशन किया था तो टी डब्ल्यू के लिए क्या फॉर्मूला आया था टी ए प्लस क्यू जी इंटू आर अपॉन टू एच तो यदि हम इसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी और टी मैक्स के लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो चलिए ये वाला फार्मूला लिख लेते हैं टी डब्लू इजकअल टू टी ए प्लस क्यू जी इंटू आर अपॉन टू एच तो चलिए हम यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना है वन हंड्रेड और टी ए कितना है फिफ्टी तो यहाँ पर रखते हैं इनकी वैल्यू वन हंड्रेड इजकल टू फिफ्टी प्लस क्यों जी आपके पास कितना है टेन की पावर सेवन और ये क्या है रेडियस और रेडियस कितनी है देखो पॉइंट जीरो ज़ीरो वन फाइव तो यहाँ पर रखेंगे पॉइंट जीरो जीरो वन फाइव अपॉन टू एच तो आप यहाँ पर आसानी से एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ इसका आंसर आएगा वन फिफ्टी वोट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस और अब हम क्या कर लेते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं देखो टी मैक्स इजकल टू टी ए प्लस क्यू जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन फोर के प्लस आर अपॉन टू एच अगर ये प्लेन वॉल होता तो क्या आता एल स्क्वायर अपॉन एट के प्लस एल अपॉन टू एच तो चलिए हम यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो टी ए कितना है फिफ्टी प्लस क्यू जी की वैल्यू कितनी है टेन की पावर सेवन और आर की वैल्यू कितनी है पॉइंट जीरो जीरो वन फाइव और कंडक्टिविटी हमारे पास है इसे हम ऊपर से देख लेते हैं ये है हमारे पास ट्वेंटी यहाँ पर देखिए ये रही तो यहाँ पर आएगा ट्वेंटी और आर की वैल्यू पॉइंट जीरो ज़ीरो वन फाइव और टू इन एच तो एच कितना है हमारे पास एच है वन फिफ्टी तो आप इसे भी आसानी से सोल्व कर सकते हो मैं थोड़ा सा इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा टू पॉइंट एट वन इंटू टेन की पावर माइनस एट और इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा फाइव इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स तो अब इसे आप एक ही बार में कैल्सी से सोल्व कर सकते हो तो ये आ जाएगा वन हंड्रेड पॉइंट टू एट डिग्री सेल्सियस तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही इससे अगली वाली वीडियो में हम स्पेयर विद इंटरनल हीट जनरेशन इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे और यदि आप पी डाउनलोड करना चाहते हो इनकी सोल्यूशन की तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो तो उसमें आपको सारी ही पी शुरू से लेकर लास्ट तक मिल जाएंगी